अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर सेकेंड व्लॉग। सो पिछले व्लॉग में हमने आपके साथ अपना इस्लामाबाद से केरन तक का जो सफ़र है वो शेयर किया था। अगर आपने व्लॉग नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखें। और अभी जो है हमने केरन से चेकआउट कर लिया था और अब हम केरन से शारदा जा रहे हैं। केरन से शारदा जो है वो आपको 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन यहाँ जो है रोड्स की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। आप अपनी गाड़ी में तो ईज़िली जा सकते हैं, लेकिन इस एरिया में काफ़ी लैंडस्लाइड भी होता है और रोड भी काफ़ी कच्ची है, तो आपको बहुत एहतियात से जो है ड्राइव करनी पड़ेगी। लेकिन ये रास्ता इंतहाई खूबसूरत है, तो आप इसलिए कोशिश करिएगा कि डे लाइट में सफ़र करें ताकि जो है आप रास्ते की खूबसूरती इंजॉय कर सकें। रास्ते में आपको बहुत सारे स्पॉट्स मिलेंगे और जगह जगह पे आपको वाटर स्ट्रीम्स भी नज़र आएंगी, तो आप वहाँ रुक के जो है कुछ देर नेचर एक्सप्लोर कर सकते हैं और थोड़ा रिफ़्रेश हो सकते हैं। हम लोग भी जो है इस पॉइंट पे रुके थे और ये काफ़ी खूबसूरत पॉइंट था और यहाँ रश भी काफ़ी था, तो हम लोगों ने जो है यहाँ बैठ के आम खाए थे पानी के पास और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया। अच्छा जी, शारदा से 10 मिनट पहले हमें जो है ये होटल नज़र आया था, वादी होटल। इसका एक्सटीरियर हमें काफ़ी फैसिनेट कर रहा था, तो हमारा वैसे यहाँ रुकने का प्लान भी नहीं था, लेकिन हमने अंदर जाके इन्फॉर्मेशन ली इनसे, तो हमें पता चला कि ये होटल जो है अभी नया बना है और इसको सिर्फ 3 से 4 महीने हुए हैं। तो हम लोग जब अंदर गए तो हमें होटल बहुत अच्छा लगा, बहुत साफ़ सुथरा था, बिल्कुल नई कंस्ट्रक्शन हुई हुई थी और काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन था इसका और काफ़ी स्पेशियस था। काफ़ी फ्लोर्स थे इसके, आई थिंक 2 से 3 फ्लोर्स थे और अप्रॉक्सीमेट इनके 20 से 25 रूम्स थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ बुकिंग नहीं कराई हुई थी, ऑब्वियसली हमारा यहाँ रुकने का प्लान नहीं था, तो इनकी बुकिंग जो थी वो बिल्कुल फुल थी क्योंकि सीज़न था और काफ़ी टूरिस्ट आए हुए थे, तो इनके सारे रूम ऑक्यूपाइड थे। तो फिर भी हमने इनसे रिक्वेस्ट की, इनका स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट थी इनकी, काफ़ी उन्होंने कोऑपरेट किया हमारे साथ। और बस हम अभी यहाँ वेट कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं हम आपको बताते हैं 10 मिनट में। अच्छा जी, फाइनली हमें जो है रूम मिल गया है और ये जो है ये हमारा रूम है। रूम काफ़ी अच्छा बना हुआ था, काफ़ी साफ़ सुथरा सा था। हमने जो है इनका स्टैंडर्ड रूम लिया था, इसके अलावा इनके पास डीलक्स और स्वीट की ऑप्शन भी अवेलेबल है। जो हमारी रूम का रेंट था वो अप्रॉक्सीमेट 13,000 था, जो कि एक नई कंस्ट्रक्शन और इतनी सारी फैसिलिटीज़ के हिसाब से काफ़ी रिजनेबल था। सो आई डू रिकमेंड कि अगर आप लोग शारदा आते हैं तो ज़रूर इसको विज़िट करें। अच्छा, ये हमारे रूम से बाहर का व्यू था, यहाँ पे जो है छोटी सी बालकनी भी बनी हुई थी, आप लोग जो है यहाँ चाय कॉफ़ी जो है अपनी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगे, आपको वाईफाई, गर्म पानी, लाइट और इवन के टीवी भी यहाँ पे चल रहा था और काफ़ी चैनल्स भी आ रहे थे टीवी पे। अच्छा जी, इनका जो है बेसमेंट में प्रॉपर कैफ़े बना हुआ था, आप यहाँ पे जो है खाना वगैरह अपना खा सकते हैं। हम लोगों ने जो है यहाँ पे चिकन मखनी ऑर्डर की थी और काफ़ी टेस्टी थी, काफ़ी मज़े का था खाना इनका। अच्छा जी, इनका ये टेरेस पे भी इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, अगर आप अंदर नहीं बाहर बैठ के खाना चाहते हैं तो आप बाहर भी आराम से बैठ के जो अपना खाना इंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आने से एटलीस्ट एक दिन पहले जो है बुकिंग अपनी करा लें, क्योंकि जब सीज़न होता है तो उसमें जो है ऑलमोस्ट बुकिंग जो है इनकी बिल्कुल फुल होती हैं, तो आप जो है सेफ साइड पर रहने के लिए 1 या 2 दिन पहले बुकिंग अपनी लास्ट में करा लिएगा। बस हम लोगों ने जो है आज यहाँ पे व्यूज़ वगैरह इंजॉय किए, रिलैक्स किया। Thank you.
अच्छा जी, रात को इनके पास बारबेक्यू का ऑप्शन भी अवेलेबल था खाने में, और आपको तो पता है इतना अच्छा मौसम हो और बारबेक्यू की ऑप्शन अवेलेबल हो तो आई थिंक इट्स अ मस्ट ट्राई। रात को मौसम काफ़ी ठंडा था। अच्छा, हर चीज़ की तरह इनका खाना भी बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। अच्छा जी, अगला दिन जो है शुरू हो गया है, और ये हमारे रूम से जो है बाहर का व्यू है। आज भी काफ़ी सनी डे था, काफ़ी धूप थी और गर्मी भी काफ़ी थी। बस हम लोग जो है नाश्ता करने टेरेस पे आए थे, और शुक्र है इन्होंने जो है शेडेड वाली टेबल्स रखी हुई थी क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। बस हम लोग जो है अपना यहाँ नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। नाश्ता भी काफ़ी अच्छा था इनका, मज़े का था, चाय भी बहुत मज़े की थी। अच्छा, बस टाइम कम होने की वजह से हमारा जो है नीलम वैली का शॉर्ट ट्रिप एंड होता है, और ना चाहते हुए भी हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एटलीस्ट 4 से 5 दिन का टूर प्लान करें, और आप लोग इससे आगे भी जाएं केल तक, अरंग केल तक और ताउबत तक। केल तक जो है रास्ते की कंडीशन और ख़राब है, तो आपको वहाँ तक जो है जीप पे जाना पड़ता है, और केल से अरंग केल जो है वो लिफ्ट चलती है। अगर लिफ्ट ख़राब हो तो आपको जो है काफ़ी हाइक करना पड़ता है, लेकिन दोनों जगहें वर्थ विजिटिंग है। इवन उससे आगे ताउबत जो है, जहाँ कश्मीर बिल्कुल एंड हो जाता है, वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। क्योंकि आप जितना जो है अपर नीलम की तरफ जाते जाएंगे, उतनी जो है ये वादी और मज़ीद खूबसूरत होती जाएगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ज़रूर आगे तक जाएँ। आई होप आपको जो है व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।